हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाट्स इन माय बैग। मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ जब मैं मायके जाती हूँ। जी हाँ, मैं मायके जाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने अपना बैग है वो प्रॉपर तैयार कर लिया है। एज ए मॉम, एज ए यूट्यूबर, मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस बैग में क्या क्या है सब कुछ देखने के लिए। एक्चुअली ये बैग ना बहुत बड़ा है, कैरी बैग बहुत बड़ा है और ये जूप ब्रांड का है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस जूप ब्रांड के बैग के बारे में। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ इसका लुक। ये कुछ इस तरीके का बैग है, इसमें ये बेल्ट दी जाती है दो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल है, मजबूत है, जूप ब्रांड का है। ये इसका लोगो लगा हुआ है। इसमें प्रिंट बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे आपको, ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा प्रिंट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर का भी सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है और बाकी के इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं, इसका क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं दूंगी। बैक कैमरे से दिखा दूंगी बैग को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बैग को अंदर से कैसे बनाया गया है एंड इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही साथ मैं बता दूं ये इंडियन ब्रांड है और हमें अपने इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, आप यहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे पास कई और बैग हैं जूप ब्रांड के जो मैं पर्सनली बहुत पसंद कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए इसको दिखाती हूँ, इसके बारे में इसकी डिटेल बताती हूँ आप लोगों को। सो गाइज, ये बैग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। ये जूक ब्रांड का है और ये ब्रांड जो है वो इंडियन ब्रांड है और हमें अपने इंडिया के ब्रांड का सपोर्ट करना चाहिए। इसका जो फैब्रिक लगा हुआ है, जो कपड़ा लगा हुआ है, उसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इनके जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उसमें जो भी प्रिंट किया जाता है वो एथनिक रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जयपुरी प्रिंट जैसा रहता है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे कई और बैग हैं मेरे पास जो कि जूक ब्रांड के हैं, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी स्टिचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, सिलाई इसकी बहुत ही परफेक्ट की गई है, चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ चार स्टैंड भी दिए गए हैं जिसे आप कहीं भी रखेंगे तो बैग गंदा नहीं होगा। अंदर देखते हैं तो इसमें स्पेस दिया गया है लैपटॉप के लिए, साथ साथ फॉर्म सीट भी लगी हुई है जिससे लैपटॉप आपका हार्म नहीं करेगा अगर कहीं बैग थोड़ा सा भी टकरा गया या गिर गया। स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आप देख सकते हो। इसमें दो कंपार्टमेंट बड़े बड़े बने हुए हैं जिसमें आप बिंदी का पत्ता, लिपस्टिक, दुनिया भर की क्रीम, छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो जो इधर उधर नहीं होंगी, आपको आसानी रहेगी। कुछ चिल्लर वैसे भी रख सकते हो इसमें। दो पेन रखने की जो है वो इसमें स्पेस बनाया गया है, आप रख सकते हो डायरी पेन अगर यूज़ करते हो तो। मेरा इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और गाइस, जो जूक ब्रांड है वो पीटा अप्रूव्ड है और गाइस इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री होते हैं। इसको बनाने में कोई भी एनिमल्स को हार्म करने वाला प्रोसेस नहीं किया जाता है। इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो हैंडमेड होते हैं एंड इसकी सिलाई वगैरह आप देखोगे ना पास से, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एंड इनके प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कई बैग इनके यूज़ कर रही हूँ और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें लीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं, एलिगेंट भी लगते हैं, किसी भी ड्रेस पे आप इसे पहनो या डालो बहुत ही सुंदर लुक आता है। और गाइज, अगर आप इस बैग को खरीदना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप ये ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% जूप वेबसाइट पर। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या कैरी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस बैग में अपना लैपटॉप कैरी करती हूं जो कि है ये। और क्योंकि एज ए यूट्यूबर मैं जब भी मायके जाती हूं या कहीं कुछ दिनों के लिए जाती हूं तो मैं ये ज़रूर लेके जाती हूं, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं बनता है। क्योंकि मुझे मोबाइल से एडिटिंग करना मतलब 20% ही आता है, ज़्यादा आता नहीं, तो मुझसे नहीं होती है। शॉर्ट वीडियो तो बन जाते हैं मोबाइल से, हालांकि पूरी वीडियो की एडिटिंग मेरे लैपटॉप से होती है, जो कि इसमें आ जाता है आसानी से। यहाँ पे कंपार्टमेंट बना हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो पहली चीज़ मेरी ये है जो मैं ज़रूर ले जाती हूँ, भूलती नहीं हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो है मेरा ट्राईपॉड और वो रहा ये ट्राईपॉड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है और मूव भी हो जाता है इधर उधर।
इस तरीके से और मेरे बैग में आराम से आ जाता है। तो ये सफ़र के लिए काफ़ी अच्छा है। पहले मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज़ करती थी, वो ख़राब हुआ जब, तो मैंने ये वाला लिया है। तो ये हो गया है ये ट्राइपॉड। और उसके बाद मेरा एज यूजुअल एक फ़ोन रहता है, गुम हो गया, दिखाती हूँ कहाँ गया। तो ये रहा, ये देखो मेरा ये रहता है इसमें एक फ़ोन, और मेरा इसमें एक रहता है ये एक पर्स जिसमें मेरे एक दो कार्ड वगैरह डले हैं, मेरा आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, कुछ कैश वगैरह रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अगर जैसे मैं घर पहुंची अपने, तो मार्केट वगैरह निकलना हो तो अपना ये लिया टांग के चल देते हैं, ये भी अच्छा है। और साथ ही साथ कभी कभी मैं इसमें अपना एक स्लिंग बैग भी छोटा सा रख लेती हूँ, तो साइड में वो जब भी मार्केट वगैरह निकलना होता है ना तो आसानी रहती है। अब मैं जब कार से सफ़र करती हूँ बच्चों के साथ में, तो ये थोड़े से ड्राई फ्रूट भी पैक कर लेती हूँ। अभी तो इसमें मैंने जो मखाने हैं वो नहीं रखे हैं, क्योंकि मखाने मैं रोस्ट करके एक छोटे से टिफ़िन में कर लेती हूँ, रास्ते में अच्छा लगते हैं, खासकर बच्चों के लिए सही रहता है, नहीं तो बच्चे चिप्स कुरकुरे चॉकलेट यही सब मांगते हैं। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, और मखाने हैं वो बड़े से थोड़े से डब्बे में अभी पन्नी में करके मैं रखती हूँ, उससे आसानी रहती है, ज़्यादा नहीं भरता है, खाली हो जाती है पन्नी तो हटा देती हूँ। एक पानी की बोतल मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि प्यास लगती है, ठंडा सा पानी रख लेती हूँ, ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखती हूँ। अब क्या होता है, जब भी मैं सफ़र करती हूँ तो मुझे वोमिटिंग होती है, तो एक एवोमाइड का पत्ता जो होता है टैबलेट्स का, वो मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ। फिलहाल तो है नहीं, वो मंगवाना है, मंगवा के मैं रख लूँगी। और दक्ष आध्या दोनों लोग में से, आध्या को खासकर उल्टी होती है, तो आध्या का एक टॉप एक्स्ट्रा मैं रख के चलती हूँ, और साथ साथ दक्ष की भी एक टी शर्ट एक्स्ट्रा मैं रख के चलती हूँ, ताकि वो अगर गंदी करे या वोमिट वगैरह हो तो चेंज करा लूँ। अक्सर आध्या वोमिट करती है, मैं भी करती हूँ, तो मेरे लिए क्या है, मैं वोमिट टैबलेट खा लेती हूँ, मैं आध्या को भी नहीं देती हूँ, बस ऐसे ही नहीं देती हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं एक रखती हूँ ये हैंकी, क्योंकि एक से दो भी हो जाते हैं, कभी कभी तीन तीन, क्योंकि मेरे बैग में पड़े होते हैं एक आध, और एक दो मैं डाल देती हूँ तो वो हो जाता है। साथ ही साथ ये मेरे ईयरबड्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, रास्ते में अपना थोड़ा म्यूजिक सुन लो या कुछ देखते हो जाओ, लेकिन देखने में मुझे वोमिट होती है कार वगैरह में, ट्रेन में बहुत अच्छा रहता है मेरा, ये बड़ा काम आता है। नहीं कभी म्यूजिक सुनना होता है तो कान में लगा लो और अपना आँख बंद करके चलते चले जाओ, तो वो काम बन जाता है। अगला ये रहता है चार्जर, जो कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे मोबाइल का चार्जर। मेरे पास दो मोबाइल है, ऐसे मैं सूट करती हूँ, एक तो मेरे पास ये रखा हुआ है, तो दो चार्जर के बजाय मैं एक चार्जर लेके जाती हूँ, क्योंकि जब कुछ दिनों के लिए जाना होता है तो एक चार्जर से मैं काम चला लेती हूँ। और एक मेरे साथ रहता है ईयर, वो ईयरफोन नहीं होता है वो वाला साधारण वाला, वो भी रखा हुआ, वो मुझे और रखना है, मुझे याद आ गया, क्योंकि तो वो मैं लैपटॉप में यूज़ करती हूँ। एक कंघी रख लेती हूँ, और साथ ही साथ मैं ये सीरम ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं कार को खोल के ही चलना पसंद करती हूँ, जो शीशा उसका मतलब बंद नहीं करती, मुझे उलझन होती है एसी वगैरह उसके अंदर जब चलता है, तो वैसा तो नहीं होती है, वो शीशा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से मुझे उलझन होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, तो जब खोलते हैं तो बाल पूरे भूत जैसे बन जाते हैं, तो सुलझाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा ये लगा लूँ ना, बाल एकदम अच्छे से कोम हो जाता है। ये रख लेती हूँ, बच्चे के भी काम आ जाता है, मेरे भी। और ऐसी गर्मी में मेरी बिंदियाँ बहुत गिरती हैं, कहाँ गई, ये देखो ये निकली, ये रही एक ही बिंदी की डिब्बी, मेरी मम्मी ने मुझे दी है, और अभी तो फिलहाल मैं यही लेके जाती हूँ, वरना मैं पत्ते वगैरह रख लेती हूँ भूल के, बड़े काम आते हैं। और एक लिपस्टिक डाल लेती हूँ कभी कभी, मतलब डार्क लिपस्टिक लगाने, यही सेट है, यही सेट मैंने लगाया हुआ है, ये लैक्मे का, मैंने यही डाल लिया है ले जाने के लिए। और एक ये रैनी की, ये बहुत अच्छी लगती है, ये ब्लैक है एंड ये कलर भी देती है और लिप को मॉइस्चराइज करके रखती है, तो ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सफ़र में, क्योंकि हवा जैसे खुला हो, जैसे वो गेट खोलो ना तो हवा चलती है, तो ओस वोस सूखते, तो ये लगा लूँ काम बन जाता है, लिपस्टिक का हल्का सा टिंट भी आ जाता है और मॉइस्चराइज भी रहते हैं। और बाल लगते हैं तो एक ये मैं एक्स्ट्रा मैं रिबन रखती हूँ क्रंची, और ये बहुत अच्छे, मैंने बहुत सारे मंगा के रखे हैं, बट एक मैं बैग में डाल लेती हूँ। ये रहा, और क्या बचा मेरे बैग में, और मेरे बैग में आपको क्या मिलाया, एक ये पेन मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी रहता है, हमेशा मैं डाल के चलती हूँ, और आपको एक छोटी सी डायरी मिलेगी, हाँ भाई ये काम आती है कुछ ना कुछ लिखने का या फिर कोई चीज़ याद रखने का। मुझे मेरे पास कई ऐसे नंबर्स हैं जो मुझे याद नहीं रहते हैं, हालांकि मोबाइल है, मालूम मोबाइल गुम हो गया तो अच्छी चीज़ें रखती है याद रहेगी, या फिर कुछ पासवर्ड वगैरह भूल गई और मैं जा रही हूँ और वहाँ पर काम करना होता है लैपटॉप में, मैं भूल ही गई, याद ही नहीं रहा, फिर दिक्कत होती है। और क्या मिलेगा, हाँ एक चीज़ और, ये कुछ लिफाफे मिलेंगे मेरे बैग में खाली,
कभी कभी एक दो भरे ही मिल जाते हैं, क्योंकि बड़े रहते हैं पहले के, फिलहाल ये खाली है, तो ऐसे ही डले रहते हैं कि मतलब कहीं किसी से मिले और हम कुछ नहीं ले पाए उसके लिए या कुछ भी, तो निकाला कैश और डाल दिया और दे दिया, चल जाता है ऐसा। और मेरा बैग खाली हो गया ऑलमोस्ट, बस उतना ही सब कुछ रहता है मेरे बैग में। और सर्दी हो उसके अकॉर्डिंग भी मॉइस्चराइजर वगैरह रहता है, थोड़ा सा रख लेती हूँ, बाकी का सब यही कुछ कुछ रहता है, एक दो रुमाल वगैरह और रह जाते हैं। गॉगल वगैरह लगाने का ज़्यादा शौक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कैरी करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, देखो मैं समझता आ रही हूँ पर्सनली। हाँ सो गाइस बस इतना था मेरे बैग में, मेरा बैग हो गया पूरा खाली, काफ़ी स्पेस है इस बैग में और बड़ा ही काम का है, तो ये सारा सामान फिर से भरूंगी। तो बस आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर कर दिया है व्हाट्स इन माय बैग, मेरे बैग में क्या क्या रहता है जब मैं मायके जाती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप अपने बैग में और क्या क्या कैरी करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चे और जब छोटे थे तो मैं इसमें डायपर भी रखती थी एज अ मदर, और एक दो पैंट्स एक्स्ट्रा में भी रखती थी, ये सारी चीज़ें लोशन वगैरह तो मैं रखती ही थी, फिलहाल तो अभी बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा दूर होता ही नहीं है, 4 से 5 घंटे में पहुँच जाते हैं अपने घर। लेकिन हाँ ये जो कुछ सामान है ये 4-5 घंटे में ज़रूरत पड़ ही जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बाकी की अपनी ज़रूरत का सारा सामान मैं इसमें रख लेती हूँ। एक दो चीज़ें हैं जो मैं भूल भी गई होंगी तो वो तो इसमें आ ही जाती हैं, क्योंकि मैं जाते जाते सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। तो गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको अगर ख़रीदना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, आप जाके इनकी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, एंड मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय।